children, today we will read and discuss about exercise work of chapter 11, Human Being as a Resource, मानव प्राणी एक संसाधन के रूप में, यानी एक संसाधन के रूप में मनुष्य या मानव। चैप्टर नंबर 11 है, इसका एक्सरसाइज वर्क है, इसको हम आज रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसे आप अपनी बुक के अंदर ब्लू जेल के पेन से फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MCQs। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, प्रत्येक के फोर ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे हमें टिक का निशान लगाना है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, अब इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन है, उसका कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे डॉक्टर है वो भी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है, टीचर है वो भी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है, और एडवोकेट जो वकील होता है वो भी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। तो ये सभी मनुष्य हैं, डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है, और मिनरल्स है, ये खनिज होते हैं, ये मनुष्य नहीं है। तो ये जो जमीन से नीचे से खोद करके निकाले जाते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, और जिसके अंदर जैसे हमारा अब मिक्का, अभ्रक, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट कौन सा नहीं है, मिनरल्स। तो हम MINERALS मिनरल्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट नहीं है, इसे हम एक गुड का निशान लगाएंगे। इसमें दूसरा दिखाई दे रहा है, ये टीचर का चेक किया हुआ है, आपको एक लगाना है, जो बिल्कुल सुंदर सा निशान है वो। तो डॉक्टर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, डॉक्टर तो आप जानते हो चिकित्सक, टीचर अध्यापक होता है, एडवोकेट वकील होता है। नेक्स्ट, तो इसका सी राइट आंसर, हम सी को टिक का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आर रनिंग इन द विलेजेस टू इरेडिकेट डिजीजेस लाइक मलेरिया, मलेरिया जैसे कि मलेरिया एक बुखार होता है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, उसके बाइट करने से काटने से बीमारी फैलती है, मादा एनाफिलीज जो मॉस्किटो मच्छर है उसके काटने मलेरिया होता है। इसमें सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा जब ये बुखार चढ़ता है उस समय, और इसके लिए कुनेन नामक औषधि यूज होती है जो बहुत ही कड़वी होती है, कुनेन की टैबलेट होती है, और यह सिनकोना का एक पौधा होता है जिससे उसके जो रस है उससे बनती है। आर रनिंग टू इन द विलेजेस, तो इसके अंदर क्या बताया गया कि आर रनिंग इन द विलेजेस टू इरेडिकेट डिजीजेज लाइक मलेरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों को इरेडिकेट करने के लिए, उनको कंप्लीटली रिमूव करने के लिए गाँव में क्या चलाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर, इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश में, तो इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर गांव में ये बिरोंग है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये राइट है, नेशनल हेल्थ सेंटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र, पहला था इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ मानी स्वास्थ्य होता है, सेंटर मानी केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो हमने चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको हम PHC बोलते हैं, अपने नहाड़ के अंदर भी PHC है, अपने बवा में भी है, तो इस प्रकार से ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में बीमारियों के उन्मूलन के लिए चलाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको PHC बोलते हैं। तो हम बी को गुड का निशान लगाएंगे, गांव में मलेरिया जैसी बीमारियों को इरेडिकेट करने के लिए गांव में क्या चलाए जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्रिएटेड,
When माने कब was the Ministry of Human Resource Development मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको क्रिएटेड कब किया गया, उसको कब बनाया गया था, उसका निर्माण यानी क्रिएट किया गया, लागू किया गया, तो इसके अंदर 1990 यानी 1990 में, 2001 1880 यानी 1880 में, और 1985 में, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई 1985 में 1985 में हमारी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो क्रिएट किया था, तो इसके अंदर 1985 आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो कब क्रिएट किया गया, कब बनाया गया उसकी, तो उसके लिए 1985 है यह आंसर है इसका, डी को हम टिक का निशान लगाएंगे। इससे आगे अब हम चलते हैं पहले डी वाले पोर्शन पर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें खाली जगह भरनी है और खाली जगह भरनी है तो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के क्षेत्र में इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड माने होता है संसार में, लार्जेस्ट कंट्री माने सबसे बड़ा देश, हाँ पूछा गया है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होता है जनसंख्या के क्षेत्र में, इंडिया है कौन सा बड़ा देश है संसार में, तो इंडिया का नंबर सेकंड आता है यानी इंडिया है वो दूसरा बड़ा देश है वर्ल्ड में पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में, पहला नंबर चाइना का है और सेकंड नंबर इंडिया का है, तो इसमें एस ई सी ओ एन डी सारे कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर लिखेंगे इसमें, एस बी स्मॉल ई सी ओ एन डी एस ई सी ओ एन डी सेकंड लिखेंगे, तो इंडिया है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है कितनी है मोर देन, तो इसके अंदर जो सेंसस हुई थी यानी जनगणना हुई थी, तो जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है और हमने चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि 1981 में जब सेंसस जनगणना हुई तो 68 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, फिर उसके बाद में 2001 में फिर 2011 में जब सेंसस हुई, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, तो उसमें 1.2 बिलियन के लगभग 1.2 बिलियन है, उससे मोर देन पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन थी। अब क्या है कि अब 21 में भी जनगणना होनी थी लेकिन अभी कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है सेंसस, तो इसमें 1.2 बिलियन कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं अबाउट 121 करोड़, यानी भारत की जो जनसंख्या है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1.2 बिलियन से अधिक, मोर देन 1.2 बिलियन या और या 121 करोड़, तो इनमें से हमें एक लिखना है, 1.2 बिलियन भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम 121 करोड़ भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से हम एक बात लिखेंगे, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से भी ज्यादा है। अब तो क्या है कि लगभग शायद जब जनगणना होगी तो 130 करोड़ के लगभग जाएगी, ये तो 2011 के बाद में बताई गई है कि भाई उससे मोर देन 121 करोड़ के लगभग, वहाँ 121 करोड़ थी, अब उससे ज़्यादा है, तो मोर देन 1.2 बिलियन कह सकते हैं अथवा 121 करोड़ के अबाउट मानी लगभग कह सकते हैं, इससे मोर देन है। नेक्स्ट है हमारे पास द विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ, अब विलेजर्स होता है गांव वाले, विलेज माने गांव और विलेजर्स गांव वाले, आर माइग्रेटिंग कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं टू सिटीज शहरों की ओर, इन सर्च ऑफ किसकी तलाश में,
भाई रोजगार की तलाश में, इसमें EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट, यानी गांव से लोग शहरों की ओर सिटी की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सेटल हो रहे हैं शहरों की ओर, तो किस लिए जा रहे हैं, सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ किस की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट मानी रोजगार की तलाश में, EMPLOYMENT। नेक्स्ट है हमारे पास द रीजन फॉर पॉवर्टी इज ऑफ पॉपुलेशन, भाई गरीबी का क्या कारण है, जनसंख्या का क्या कारण है कि गरीबी का क्या रीजन है, एक तो क्या इज द जो जनसंख्या है वो इलिटरेसी, ILLITERACY, यानी ILLITERACY, इलिटरेसी यानी निरक्षरता, एंड RAPID रैपिड ग्रो, यानी भाई जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका निरक्षर होना और तेज गति से रैपिड मानी तेजी से ग्रोथ होना, बढ़ना ही गरीबी का मुख्य रीजन है, कारण है। तो इसमें इलिटरेसी एंड रैपिड ग्रोथ लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव्ड बाई अवर एफर्ट, हमने पढ़ा था चैप्टर में भाई बेटर रिजल्ट कब ले सकते हैं, चाहे सरकार कितने भी कार्यक्रम चला ले, लेकिन उनसे तभी जब फायदा हो सकता है जब व्यक्ति अपने आप एफर्ट करेगा, बाय आवर ओन एफर्ट, जब तक हमारे के द्वारा अपने स्वयं के एफर्ट नहीं किए जाएंगे जब तक बेटर रिजल्ट है उसको अचीव नहीं कर सकते। जिस प्रकार चाहे सरकार कितने भी कार्यक्रम लगाए चलाए, लेकिन व्यक्ति अपने स्वयं के एफर्ट नहीं करेगा जब तक बेटर रिजल्ट नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बता रहा था भाई क्लास में अध्यापक चाहे कितना भी पढ़ाए, लेकिन बच्चा जब तक खुद का एफर्ट नहीं करेगा तब तक वो बेटर रिजल्ट नहीं ले सकता, यानी अच्छा परिणाम नहीं ले सकता, क्योंकि अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसके लिए बच्चे को स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा, अपने खुद के भी एफर्ट करने पड़ेंगे, और जब तक वो स्वयं एफर्ट नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, जब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको किसी भी चीज़ को, जैसे वो उसको कहने का मतलब है कि पढ़ा सके, तो बच्चा जब तक स्वयं, क्योंकि उसको एग्जाम स्वयं देने, उसको अपना काम स्वयं करना है, भाई टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन एग्जाम में तो बच्चे को लिखना है, जैसा लिखेगा, जैसे एफर्ट करेगा, जितना पढ़ेगा, जैसी कोशिश करेगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसी प्रकार तो हमारी गवर्नमेंट चाहे कितनी वेलफेयर स्कीम या प्रोग्राम चलाए, स्टार्ट करे, जब तक हम स्वयं एफर्ट नहीं करेंगे तब तक बेटर रिजल्ट है उनको अचीव नहीं कर सकते। इसमें OWN ऑन मानी स्वयं के प्रयास। अब इसमें ये जो लाइन सी दिख रही है आपको, टिक के निशान लगा रखे हैं ब्लू पेन से, ये टीचर का चेक किया हुआ है, आपको ये लाइन नहीं लगानी है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये लगा रखी है, टिक के से निशान लग रहे हैं। नेक्स्ट है करेक्टली मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से सही मैच करना है। नंबर वन पे क्या है, पीपल ऑफ कंट्री, एक देश के लोग, कंट्री के लोग है क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, तो पहले को हम सी से मिलाएंगे, पहले का आंसर है सी, यानी किसी भी देश के लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स सेकंड वाला है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये क्या काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं ये इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज, जो बीमारियां होती हैं उनका उन्मूलन करते हैं, कंप्लीटली रिमूव करने में सहायता करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर। लिटरेसी प्रोग्राम, साक्षरता कार्यक्रम, ये साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, एजुकेशन ऑफ पीपल, लोगों को शिक्षा दी जाती है, साक्षरता कार्यक्रम में क्या होता है, लोगों को एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन ऑफ पीपल। तो पहले का सी, दूसरे का ई, तीसरे का डी। चौथा है वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी या भलाई की जो स्कीमें हैं वो क्या है,
बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए बढ़िया होती है, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है वो गरीब लोगों के लिए होते हैं, उनमें बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए। तो इसको बी से मैच करवाएंगे, इसका आंसर बी होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन स्किल, मानव की जो स्किल है, जो दक्षता है, कौशल है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वुमेन रिसोर्स है उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मानव संसाधन है उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनका विकास करना पड़ेगा। जब भी वुमेन की स्किल है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो पांचवे को हम ए से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि हमने इसके अंदर पार्ट एफ है उसको मैच द फॉलोइंग वाले को किया, पार्ट ई है इसको हम नोटबुक में आगे जो वीडियो होंगी उनके अंदर डिस्कस करेंगे, ई वाले पार्शन को पार्ट को हम नोटबुक में करेंगे। ये बुक का वर्क किया हमने, पार्ट एफ बुक में, पार्ट डी बुक में, और पार्ट सी है इसके जो फोर क्वेश्चन आंसर है इनको भी हम नोटबुक में करेंगे। लेकिन आज एक्सरसाइज वर्क कुछ कम था, तो इसके साथ में ये दो छोटे से आंसर हैं इनको भी आप अपनी बुक में भर लेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बाकी मैं नोटबुक में जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इनके उत्तर लिखवा दूंगा। तो इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विच कंट्री है, बहुत ही छोटे आंसर हैं इनके, विच कंट्री हैज मोर पॉपुलेशन देन इंडिया, इंडिया से ज़्यादा कौन से कंट्री की, विच माने कौन से कंट्री की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो हमने इसमें पढ़ा है कि भाई चाइना है, उसकी पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है, तो इसका आंसर चाइना हो गया। एक वर्ड में भी उत्तर हमने दिया, इसको यदि हम सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो क्यों, तो अब विच कंट्री है इसकी जगह चाइना लगा देंगे, विच कंट्री की जगह क्या लगा देंगे, चाइना। और चाइना हैज मोर पॉपुलेशन देन इंडिया और साइन ऑफ इंटरोगेशन है, उसको हम हटा देंगे, यानी इसका आंसर बनाएंगे तो विच कंट्री की जगह, अब मान लो पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का, विच कंट्री हैज मोर पॉपुलेशन देन इंडिया, तो इसके अंदर पहला ये क्वेश्चन लिख कर इसका आंसर लिख कर और आंसर के अंदर विच कंट्री है इसकी जगह चाइना लिख देंगे, चाइना का सी कैपिटल होगा, और आगे की जो लाइन है जो कि तो लिखेंगे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, इसको हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चाइना हैज मोर पॉपुलेशन देन इंडिया, तो चाइना का सी कैपिटल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ, हमारी जो लाइफ है, जीवन है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लोगों का शिक्षित होना चाहिए, यानी शिक्षित होना जरूरी है। तो पीपल शुड बी एजुकेटेड, यानी पीपल जो लोग हैं वो शुड बी होने चाहिए एजुकेटेड, मानी शिक्षित होने चाहिए। अगर लोग शिक्षित होंगे तो भाई जीवन, हमारा जो जीवन है उसकी क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सुधार हो सकता है, और अनपढ़ लोग रहेंगे तो सुधार नहीं रहेगा। तो इसके अंदर हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन लिखकर इसके अंदर आंसर लगा करके व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, इसकी जगह हम पीपल शुड बी एजुकेटेड क्या लिख देंगे, व्हाट शुड बी डन की जगह पीपल शुड बी एजुकेटेड और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी हमें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, ये तो जो कहते लिखना है और बाद में फुल स्टॉप लगाना है। तो इससे आगे हम व्हाट शुड बी डन की जगह क्या लिखेंगे, पीपल शुड बी एजुकेटेड, पीपल शुड बी एजुकेटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर जो बुक का एक्सरसाइज वर्क था, इसके अंदर MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग, ये तीन पार्ट हम करेंगे, और चौथा पार्ट भी है, इसका आंसर आप अपनी बुक में जैसे मैंने लिख रखे ऐसे लिख लेंगे, और सेंटेंस वाला आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब हम डिस्कस करेंगे उसमें इसको हम करेंगे। तो इस प्रकार से आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा।
अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी बुक के अंदर ब्लू जेल के पेन से सुंदर राइटिंग में कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक के अपना ये कार्य करेंगे। जिस प्रकार से मैंने फिल कर रखा है इस प्रकार से फिल करेंगे और लर्न करेंगे इनकी स्पेलिंग वगैरह। तो इस प्रकार से आज के हमारी जो वीडियो है ये फिनिश होती है, और इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।